हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। लास्ट टाइम जब मैं तिरंगा पुलाव की रेसिपी लाई थी, आप लोगों ने उसे अपना बहुत प्यार दिया था। आज मैं लाई हूँ गोल्डन पुलाव की रेसिपी। ये कलर में तो गोल्डन है ही और टेस्ट में भी बिल्कुल डिफरेंट है। गोल्डन पुलाव बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी चावल लेंगे और उसे एक घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। उसे हम तीन से चार पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर हम एक पतीले में पानी उबलने के लिए रखेंगे तीन से चार कटोरी। फिर हमने जो चावल वॉश करे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, एक चम्मच ऑयल और हम इसमें डालेंगे एक नींबू का रस। नींबू के रस से चावल खट्टे नहीं होंगे, लेकिन ये चावल आपस में चिपकते नहीं हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं। अब हम इसे चार से पाँच मिनट तक हाई फ्लेम पर ही बॉईल होने देंगे, जिससे ये चावल पक जाएंगे। हमें इसे 100% नहीं पकाना, हम इसे सिर्फ 90% ही पकाएंगे, क्योंकि जब हम इसे बाद में फ्राई करेंगे तो बाकी जो ये 10% है वो पक जाएंगे। ये देखिए, चावल हमारे 90% कुक हो गए हैं। अब हम इन्हें छान लेंगे। हम एक स्टील की छन्नी लेंगे और ये चावल हम उसमें डाल देंगे, जिससे पानी अलग हो जाएगा और चावल अलग हो जाएंगे। और एक और ज़रूरी बात कि हम इस तरीके से चावलों की स्टीम रिलीज़ कर देंगे और जो नीचे गर्म पानी है उसे हम हटा देंगे, ताकि ये चावल ओवर कुक ना हो जाए। हम सब्जियां रेडी कर लेते हैं। मैंने उसके लिए मटर लिए हैं, गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है और कटा हुआ पनीर लिया है। हमें शिमला मिर्च और गाजर को पतला ही काटना है, ज़्यादा बड़ा नहीं काटना। इस तरीके से देखिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम एक चम्मच देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने जो पनीर काट के लिया था उसे हम फ्राई कर लेंगे। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। इसे हम अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेंगे पनीर को, और इसे हम अलग से पहले प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, पनीर फ्राई हो गया है। अब उसी कढ़ाई में जो घी बचा था उसी को हम यूज़ कर लेंगे। उसमें हम एक चम्मच जीरा डालेंगे और दो तेज पत्ते डालेंगे, और जब ये थोड़ा अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। जैसे मैंने शिमला मिर्च ली है, गाजर ली है, आपको जो वेजिटेबल पसंद हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, और कम या ज़्यादा भी अपने अकॉर्डिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें मटर भी डाल देंगे, मैंने फ्रेश मटर लिए हैं, आप फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करेंगे, हमें सब्जियों का क्रंच बनाए रखना है। 2 मिनट बाद जब ये सब्जियाँ अच्छे से सौते हो जाएंगी, हम इसमें कटे हुए काजू डाल देंगे। आप चाहें तो किशमिश और बादाम भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ काजू का ही यूज़ किया है। इसे 1 मिनट और रोस्ट करेंगे। फिर हमने जो चावल बॉईल करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, चावल एकदम खिले खिले हैं, बिल्कुल चिपके नहीं हैं, क्योंकि हमने इसमें नींबू का रस डाला था, इससे ये चावल एकदम खिले खिले बने हैं। इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और हम इसमें 1 चम्मच मैगी मसाला का पाउच डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा ही, और जो हमें अपना कलर लाना है गोल्डन, वो भी इसी से आएगा। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर भी डाल देंगे और इसे हम हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे, ताकि ये मसाला पूरे चावल में और सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स हमें इसे हल्के हाथ से ही करना है। ये देखिए, हमारे चावल का कलर कितना अच्छा आ गया है, बन गया है ना ये एकदम गोल्डन पुलाव। अब हम इसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ढक देंगे, ताकि ये मसाला, चावल, पनीर, सब्जियाँ सब अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 मिनट बाद देखिए, हमारा गोल्डन पुलाव एकदम सर्व करने के लिए रेडी है।
ये देखिए कितना खिला खिला और कलरफुल हमारा पुलाव बना है, और नाम भी इसका एकदम परफेक्ट है, गोल्डन पुलाव। आप इस पुलाव को ऐसे ही या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल में थाली रेडी की है। आइए मैं आपको थाली दिखाती हूँ। थाली में हम सबसे पहले एक कटोरी में जो हमने गोल्डन पुलाव रेडी किया है उसे रखेंगे। एक कटोरी में दाल मखनी डालेंगे। एक कटोरी में मैं शाही पनीर रखूंगी। इन सभी सब्जियों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आई बटन में भी डाल दूंगी। मीठे में मैंने गुलाब जामुन रखे हैं और हलवा रखा है, और मैंने साथ में चिल्ली पराठा बनाया है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और मैंने साथ में रख दिया एक पापड़ रोल। हमारी थाली एकदम रेडी है। इस थाली को देखकर किस किस के मुँह में पानी आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।